आशु, हाँ, तूने गवर्नमेंट को उनकी इनविजिबल वॉच वापस कर दी, तो तुझे इसके लिए उनकी तरफ से 1 लाख का कैश प्राइज मिला है। वैसे तू इन पैसों का करेगा क्या? तुझे पता है ना मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, तो मैं इन पैसों को ना अपने साइंस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा। और वैसे भी मैं तेरी तरह इन पैसों को खाने पीने घूमने फिरने में वेस्ट नहीं करने वाला। आशु, तू ना एक नंबर का बोरिंग इंसान है। आज मेरा क्रिकेट मैच है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे जो वो इनविजिबल वॉच थी, मैंने उसकी एक एक डिटेल्स देखी थी। मैं ना उससे एडवांस वॉच बनाऊंगा। और मैं उसको ना देश की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैंने मिक्कू से छुपकर तो इस घड़ी की प्रोग्रामिंग कर ली है, बस मिक्कू को इसके बारे में पता ना चल जाए। उसको मैं सरप्राइज दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली वॉच उस इनविजिबल वॉच से भी ज्यादा एडवांस बने, ताकि मैं इसको देश की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकूं। आशु बेटा, जरा इधर आना। आया मम्मी। मुझे सेम उस इनविजिबल होने वाली वॉच जैसा स्ट्रक्चर मिल गया। अब मुझे इस पर वर्क करना है, लेकिन मुझे इसके बारे में ना अभी सीक्रेट रखना पड़ेगा। मिक्कू को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। ये जैसे ही रेडी हो जाएगा, तब मैं इसके बारे में मिक्कू को बताऊंगा। आशु, क्या कर रहा है आशु? वो ना, मैं ना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तू उस कमरे में जाकर सो जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। ये मिक्कू भी ना कभी भी टपक पड़ता है, मुझे ना दूसरे रूम में जाकर काम करना पड़ेगा। फाइनली मेरी इनविजिबल वॉच रेडी हो गई है। अब टाइम आ गया है वापस मिस्टर इंडिया बनने का। सॉरी मिक्कू, लेकिन तुझे तंग करने में ना बहुत मजा आएगा, लेकिन जितना तंग तू मुझे करता है ना, उसके सामने ना ये कुछ भी नहीं। आज ना मैं इस घड़ी को टेस्ट भी कर लूंगा और पता भी चल जाएगा कि ये अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। ये क्या हो रहा है? ये हेडफोन ऊपर कैसे लगे? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये बलून कैसे फूल रहा है? मम्मे! मिक्कू,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुझे इस कमरे में डर लग रहा है, आज मैं यहीं सो जाता हूं। मेरा कंबल, कंबल नीचे कैसे गया? ये क्या हो रहा है? ये किससे क्या? ये क्या हो रहा है? आशु, तू इस सबके पीछे तू था? हाँ, लेकिन तेरे पास ये वाली घड़ी कैसे आई? तुझे पता है ना मुझे साइंस में कितना इंटरेस्ट है, तो जब वो इनविजिबल वॉच हमारे पास थी तब मैंने उसकी एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को देखा था और मैंने वापस से उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की और ये वॉच मुझसे बन गई। तू बोल रहा था ना मैं इतने दिनों में किस में बिजी था? मैं ना इस वॉच को बनाने में बिजी था। अरे वाह, दिखाना। हाँ देख, ये तो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल उसी घड़ी जैसी बनी है। चला वापिस कर। अरे ट्राई करने देना प्लीज। बिल्कुल नहीं, इस बार ना तू इस घड़ी को चुराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने इस वॉच में इतने दिन इसीलिए लगाए ताकि इसको तू क्या कोई भी चुरा ना सके। ऐसा क्या है इसमें? वो एक सीक्रेट है। अपुन को पता लगा है कि एक छोकरे को सरकार की तरफ से काफी माल मिला है। अब उनको जल्द ही उसके बारे में पता लगाकर उसके घर जाना होगा। उसका माल अपुन के नाम करना होगा। आशु बेटा। हाँ मम्मी। बेटा जागरण में जाने के लिए रेडी हो गए? हाँ मम्मी। और तुम मिक्कु बेटा? लेकिन मम्मी जागरण में कुर्ता पहन के जाना जरूरी है क्या? बेटा जींस टी शर्ट तो रोज पहनते हो, आज कुर्ता पजामा पहन लो। बेटा मैं और पापा जागरण से सुबह आएंगे, तुम दोनों जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी। चलो लेट हो रहा है। अरे भाई जल्दी करो। बस सब रेडी हो गए, चलिए। आखिर अपुन उस छोकरे के घर पहुंच ही गया जिसने सरकार की तरफ से इनाम जीता है। देखते हैं इन लोगों ने पैसे कहां दबा के रखे हैं। कहां छुपा के रखा है माल? अरे ये तो बड़ा भारी लग रहा है। देखता हूं इस डब्बे में क्या है। अरे वाह, इसमें तो काफी रोकड़ा है। अरे वाह, अपुन को पूरा घर छानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रोकड़ा अपुन को इधर ही मिल गया। अब फटाफट से इस घर में हाथ साफ करता है और जल्दी से निकलता है इससे पहले कि घर वाले वापिस आ जाएं। अरे वाह, यह तो बड़ी शानदार घड़ी है। वो अपुन के पास घड़ी नहीं है ना, तो चोरी करते हुए पता नहीं चलता कि कितना टाइम बीत गया। अब अपुन को टाइम का भी अंदाजा जागरण में और रहने वाले। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वैसे जागरण में बहुत मजा आया ना? हाँ, वैसे जागरण में खाना भी बहुत टेस्टी था। हाँ नींद आ रही है, जल्दी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। अरे ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? अपुन को लगा था कि ये लोग सुबह तक आएंगे। अब क्या करूं? कबर्ड का दरवाजा कैसे खुल गया?
मैं तो इसे बंद करके गया था। अरे अपने आप खुल गया होगा। अपुन तो आज फंस गया। मम्मी पापा को बता दिया? हाँ, मैं मम्मी पापा को फोन कर देता हूँ। ये अपुन को देख क्यों नहीं पाया? लेकिन कैसे? कहीं अपुन इस घड़ी की वजह से गायब तो नहीं हो गया? इससे पहले अपुन पकड़ा जाए, जल्दी यहां से कल्टी हो जाता है। मिकू, हाँ, तूने मेरी इनविजिबल वॉच तो नहीं निकाली? नहीं तो? तो फिर कहाँ है? सच सच बता, तूने तो नहीं निकाली ना? अरे मैं क्यों निकालूंगा, मैं तेरे साथ ही तो गया था जागरण में। मैं तो उसको यहीं रख कर गया था। कहाँ गई वॉच? अब अपुन के हाथ में ये घड़ी लग गया है, अब अपुन खुलकर चोरी कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब अपुन इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। अरे ये शोरूम वाले काय को हर शोकेस में ताला लगा के रखा है? वाह, कम से कम 5 लाख का तो रहेगा। ये भी काफी महंगा लगता है। अपुन को दुकान की तिजोरी से काफी माल मिल गया। आज अपुन इस पैसे से कसीनो जाएगा और खूब ऐश करेगा। भीड़ में क्या मस्त मस्त माल हाथ लगे लाए, इसको अपुन एकदम तगड़े दाम में बेचेगा। एक हफ्ता हो गया, पता नहीं मेरी वॉच कहाँ चली गई। वो मुझसे गुम गई है या उसको कोई चुरा कर ले गया है, कुछ तो पता चले। और अगर वो घर पर है तो कहीं उसकी बैटरी खत्म तो नहीं हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी मेहनत से तूने वो वॉच बनाई थी, कम से कम उसको संभाल के तो रखता, मुझे तो यूज करने देता। मैंने तो उसको इस्तेमाल करके देखा भी नहीं था। तुझसे संभाली नहीं जाती तो मुझे दे देता, मैं उसको एकदम संभाल के रखता ध्यान से। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में बढ़ती जा रही हैं चोरी की वारदातें। सीसीटीवी कैमरे में चोर तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दिखाई दे रही है केवल उड़ती हुई चीजें। पुलिस इस अदृश्य चोर के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि इसके पीछे क्या राज है। आइए और अधिक जानकारी के लिए अपने संवाददाता से बात करते हैं। बताइए प्रदीप, कहीं मेरी वॉच चोरी तो नहीं हो गई? क्योंकि घर से पैसे भी गायब है और कुछ सामान भी, और ये बोल रहे हैं कि जो भी कोई चोरी कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सामान उड़ते हुए दिख रहा है। हाँ, यानी कि जिसने भी मेरी घड़ी चुराई है ये चोर वही है। अरे तू तो ऐसे उदास बैठा है जैसे वापस से वो घड़ी नहीं बन सकती। अरे तूने बनाई थी, वापस से बना लेना। और वैसे भी तेरी घड़ी फोन थोड़ी है कि उसमें मिस कॉल मार के उसको ढूंढ सकते हैं। अरे हाँ, मैंने अपनी वॉच में डिटेक्टर भी लगाया था जिससे मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि वो कहाँ है। तो एक हफ्ते से तुझे याद क्यों नहीं आया? एक हफ्ते से घड़ी मुझे नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से मैं अपसेट हो गया था। शुक्र है मुझे याद आ गया। वॉच यहाँ से 45 मिनट की दूरी पर है। मिकू, मेरी घड़ी यहाँ से 45 मिनट की दूरी पर है। जल्दी कर, हमें हमारी घड़ी लेकर आनी चाहिए। हाँ जल्दी चल। आजा मिकू, लोकेशन तो यही दिखा रहा है कि यहीं पर हमारी इनविजिबल वॉच है। पक्का? तुझे श्योर है ना कि वो यहीं पर है? हाँ, लेकिन मिकू हम लोगों को ना बिल्कुल सावधानी से आगे जाना होगा, आगे कुछ खतरा भी हो सकता है। हाँ चल।
आशी ये तो बिल्कुल खंडर सी जगह है। इस तरफ मिकू। आशु कितना चलाएगा, थका देगा क्या? अभी हमको ऑटो से उतरे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और तू इतनी जल्दी थक गया। यहीं पर है हमारी घड़ी, जल्दी कर। जब से अपुन के हाथ ये घड़ी लगी है, अपुन का तो लकीच बदल गया है। कहां पहले खाने के वांदे थे और अब ये तो वही लड़का है जिसके घर से अपुन ने ये घड़ी चुराई है। लगता है अपनी घड़ी ढूंढने के लिए इधर आया है। बच्चू, अपुन तुझे ये घड़ी कभी वापिस नहीं करेगा। वॉच यही आसपास है। मिकू? हाँ शु, मिकू मुझे यहीं से सिग्नल आ रहे हैं। हमारी घड़ी इसी जगह पर है, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है वो? अरे पगले, हमें वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उसने वो घड़ी पहनी हुई है। और जिसके पास वो घड़ी है वो इतना भी बेवकूफ नहीं कि वो आसानी से ये घड़ी किसी को भी दे दे। उसने ये घड़ी अभी भी पहनी हुई है। हाँ छोकरे, तूने सही बोला, तेरी घड़ी इधर ही चे, लेकिन अपुन तुझे तेरी घड़ी कभी वापिस नहीं करेगा। चुपचाप से अपने भाई को लेकर यहां से कट ले, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। मिकू, जल्दी से ये डंडा उठा, वो यहां पर है, मार उसे। इसको कैसे पता चला अपुन यहां पर है? मिकू, वो लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, मार उसे, यहां पर मार। इसको पता कैसे चल रहा है अपुन कहां जा रहा है? वो इस तरफ को भाग रहा है, मिकू मार। मिकू, मेरे पास वो घड़ी आ गई, जल्दी से वो बेहोश करने वाला स्प्रे निकाल। तू लाया है ना? हाँ लाया हूँ, ये रहा। अरे ये तो सैनिटाइजर है। अरे ये सैनिटाइजर नहीं, इसके अंदर ना मैंने बेहोश करने वाला लिक्विड डाल दिया था। तू रुक जा। अरे आशु, जल्दी से पुलिस को फोन कर। हाँ हाँ, हेलो पुलिस स्टेशन। आशु, हमने उस चोर को पकड़वाया, कितना मजा आया ना? हाँ, कम से कम शहर में अब चोरी की वारदातें तो रुक जाएंगी। हाँ, जब हमने पुलिस को बुलाया तो साथ साथ में वहाँ पे मीडिया भी आई थी, क्या पता हमारा टीवी में इंटरव्यू आ रहा हो। चल ना। हाँ चल। न्यूज लगा कर देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, जिस चोर की तलाश पुलिस इतने दिनों से कर रही थी वो आखिरकार पकड़ा गया। इस चोर को आशु नाम के लड़के ने अपने भाई मिकू के साथ मिलकर पकड़वाया है। आशु वही लड़का है जिसने 15 अगस्त के दिन साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई घड़ी जो कि गुम हो गई थी उसे पुलिस स्टेशन में जमा करवाया था। दोनों भाइयों को सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। ये आइए हम संवाददाता से इस बारे में बात करते हैं। आशु रुक जा, रुक जा, तू वापस से शरारते करना शुरू हो गया ना? हाँ। हाय गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 12 PM, क्योंकि हमारी वीडियो आती है एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे। याद रखना, तो फटाफट से मोहतमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके पास भी इनविजिबल वॉच हो तो इसे आप क्या करना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहतमी।